शेरेंद्राबाद के पुराने शहर में तालिबात को बुरख़ा निकाल कर इम्तिहान लिखने की हिदायत देने के वाक़े पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। इस मसले पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि किसी से गलती हुई होगी, लेकिन हमारी सेक्युलर पॉलिसी है, बुरख़ा नहीं पहनना कहीं लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हैदराबाद संतोष नगर आय सदन चौराहे पर वाक़े वुमेंस डिग्री कॉलेज की चंद मुस्लिम तालिबात यहाँ हिजाब पहनकर उर्दू मीडियम डिग्री का इम्तिहान लिखने आई थी। इम्तिहानी मरकज़ में कॉलेज के अमले की जानिब से उन्हें हिजाब उतारने को कहा गया। तालिबात का कहना था कि उन्हें तकरीबन आधे घंटे तक इम्तिहान में शिरकत से रोका गया। बाद तालिबात को हिजाब उतार कर इम्तिहानी मरकज़ में जाने पर मजबूर किया गया। तालिबात ने कहा कि तमाम कॉलेज में बुरख़े के साथ इम्तिहान लिखने की इजाज़त है, लेकिन इस कॉलेज में बुरख़ा उतारने की हिदायत दी गई है। आइए जानते हैं मज़ीद तफ़सीलात। यहाँ पे चल रहा सर आज सुबह का एक आदमी को गलती कर रहा हूँ कोई हेडमास्टर या कोई स्कूल का प्रिंसिपल, मगर हमारी जो पॉलिसी है टोटल सेकुलर पॉलिसी है। इंसान का अपनी मर्जी है, जो चाहे वो ड्रेस पहन सकता है, मगर ड्रेस बिल्कुल ऐसा मत पहनिए यूरोप की तरह पहनेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, हालात खराब होंगे। जो इस्लामी ड्रेस है या दूसरे लोग अपने हिंदू बहना ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस पहनेंगे, क्योंकि पल्ले पे पल्लो सिर पे ओढ़ते हैं। और एक अच्छा ड्रेस हमारा उसकी हम इज्जत करना चाहिए। औरतें खासतौर से कम कपड़े पहनने से परेशानी होती है, ज्यादा कपड़े पहने तो लोगों को सर बुरखा आज नहीं पहनने के लिए कोई नहीं बोला था, बुरखा नहीं पहनना बल्कि कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं नहीं बोलता। वो कॉलेज के बाहर पर एक्शन लेंगे, जरूर एक्शन लेंगे। हम लोगों को फोर्स बुरखा नहीं उतारने का है रूल, बट यहाँ पे बुरखा उतारो बोल के फोर्स करे और बाहर जाके पहनो बोल के बोल रहे बुरखा एग्जाम हो गए बाद से। ये केवी रंगा रेड्डी कॉलेज है संतोष नगर। फर्स्ट एग्जाम था वक्त उतारो बोल के बोले, अब बुरखा अलाउ नहीं है बोल के बोले। आज सेकेंड एग्जाम है तो जब भी बोले बुरखा अलाउ नहीं है बोल के। हाँ पूरे जने दूसरे कॉलेजेस में अलाउ नहीं है बुरखा, अलाउ है बुरखा बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बुरखा उतार के जाना बोल के बोल रहे।